पुलिस ने ईरानी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 मोबाइल, 5 सीबीआई के आईडी कार्ड, लूटी गई 3 सोने की चैन और 2 टॉर्च बरामद की गई है। पुलिस को शिकायत मिली कि बैंक स्ट्रीट करोलबाग में सीबीआई अधिकारी के रूप में अज्ञात व्यक्तियों ने 300 ग्राम सोने की वस्तुओं को छीन लिया है। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ करने पर पता चला कि 4 से 5 लोग खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता के पास पहुंचे और उसके बैग की जांच के बहाने उसकी कुल 300 ग्राम सोने की चैन ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस टीम हरकत में आई और जांच शुरू की गई। इसी दौरान करोलबाग मार्केट से हनुमान चैम्बरी पूसा रोड तक लगभग 1 किलोमीटर के सभी सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया गया, जिसमें 5 कथित आरोपी शिकायतकर्ता का पीछा करते हुए दिखे और अपराध के दृश्य को छोड़ते हुए देखे गए, जिसके बाद तकनीकी मदद से ये आशंका जताई गई कि इस घटना में ईरानी गिरोह शामिल हो सकता है, जिसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और अंत में IRCTC से डेटा इकट्ठा किया गया। ऐसे में पता चला कि 5 आरोपी ट्रेन में भोपाल से इलाहाबाद की यात्रा कर रहे होंगे, जिसके बाद मध्य रात्रि यूपी के झांसी जंक्शन पर ट्रेन की तलाशी ली गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाया गया। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल, 5 सीबीआई के आईडी कार्ड, लूटी गई 3 सोने की चैन और 2 टॉर्च बरामद कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है।